Hello dear learners, today we are there on day 4. Hello dear learners, today we are there on day 4. Once more, greetings for the day and I'm very glad that you are so regular watching the videos and learning. I hope कि आप bunk करके इस वीडियो पे नहीं पहुंचे हैं. Bunk करना is not allowed and आपकी handwriting अच्छी नहीं होगी. And you're following all the rules. What? Watching all the videos plus seeing all the whatever the techniques there. Next, you're having all the material for like notebook, your gel pen or pencil, and you're doing enough practice and right practice. Wrong practice नहीं कर लोगे. I hope कल का homework आपने किया रहा होगा. Day 3 में हम लोगों ने ये बातें की थी. And अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, लेट्स डू अ रीकैप. हम लोगों ने पेन पकड़ना सीखा, ऐसे पकड़ेंगे बट आई एम होल्डिंग लाइक दिस ताकि आप को दिखे. हमने स्लान बनाना सीखा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. हमने इसको पीछे आके ये बनाना सीखा, ये हमने कम से कम अभी तक 100 टाइम्स बना डाला होगा, ये हमने कम से कम अभी तक 1000 टाइम्स बना डाला होगा मिनिमम. फिर हमने आई बनाया, इसको भी कम से कम हमने 100 टाइम्स बना डाला होगा. देन वी हैव लर्न व्हाट टू मेक एल एंड हाउ टू मेक टी, इसको भी कम से कम हमने 100 टाइम्स बना डाला होगा अभी तक. आई वुड हैव प्रैक्टिस ऑन इट एंड देन वी हैव रिटन दिस लिटिल, इसको भी एटलीस्ट हमने 100 टाइम्स लिखा होगा इस लिटिल को. और हमने ये गलतियां नहीं की होंगी क्या? आई वुड नॉट हैव डन लाइक दिस, यहीं से टर्न होते गए, यहीं से टर्न होते चले, नहीं, स्ट्रेट जाएंगे, थोड़ा सा वापस जाएंगे, स्ट्रेट वापस आएंगे. सो बहुत बार हम लोगों ने इस बात किया कैसे नहीं गलती करनी है. डे 3 में भी बात किया हम लोगों ने, डे 2 में भी बात किया, डे 1 में भी बात किया. आई होप आप हर चीज को एक बार में समझेंगे ताकि मुझे बार बार नहीं बताना पड़ेगा और वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा. इस कारण से गलती पकड़ने का सिंपल सा तरीका, एक स्लैंड बनाएंगे, देखेंगे यहां से लौट के हम आए तो मेरा ये स्लैंड देखो कहां जा रहा है, ये स्लैंड कहां जा रहा है, करेक्ट, ये वाला स्लैंड मेरा कहां जा रहा है, ये वाला स्लैंड अगर मैंने पहला, ये मैंने अगर मदर स्लैंड है और मैंने बनाया ऐसे तो गड़बड़ है. कितना भी रूल मैंने फॉलो, देखिए मैंने ये रूल फॉलो किया, मैंने ये रूल फॉलो किया, मैंने ये रूल फॉलो किया, बट क्या गड़बड़ है कि मैंने डिसाइड किया था मेरी हैंडराइटिंग कितने स्लैंट में रहेगी. सपोज 90% है, 90 डिग्री, आई एम सो सॉरी, मैंने डिसाइड किया था कि भाई हम 75 डिग्री में रखेंगे अपनी सारी लेटर्स को. सो वी ऑलरेडी डिसाइडेड कि हम 75 डिग्री में चल रहे हैं, सो हम 75 डिग्री में तो चलेंगे ना सारे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट, सो लेट्स कम ऑन डे 4. अब आपको हम दिखाते हैं एक मैजिक. मैजिक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली ये पूरा मैजिक ही है ना, 7 डेज में, 9 डेज में हैंडराइटिंग ठीक हो जाना, दिस इज अ मैजिक. और मैजिक जानना जरूरी है. मैजिक एक्चुअली कुछ नहीं होता, मैजिक के पीछे की ट्रिक होती है. मैजिक इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली ये पूरा मैजिक ही है ना, 7 डेज में, 9 डेज में हैंडराइटिंग ठीक हो जाना, दिस इज अ मैजिक. और मैजिक जानना जरूरी है. मैजिक एक्चुअली कुछ नहीं होता, मैजिक के पीछे की ट्रिक होती है. मैजिक, सो आई एम टेलिंग यू दैट ट्रिक, दैट गोल्डन ट्रिक, दैट सीक्रेट ट्रिक और दैट इंपॉर्टेंट ट्रिक. देखिए 1 2 3 4 5, देखिए ये बना हुआ ना, ठीक है, मैंने इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया.
क्या बन गया? अब आप बताइए क्या बना ये? ये क्या आपको लग रहा है कुछ M और N टाइप का बन गया है? क्या बना गया कुछ ऐसा? फिर से देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जैसे ये बनेगा उतना ही अच्छा मेरा आगे का बनेगा। देखिए, दिस बन गया ना, दिस देखिए बन रहा है, अच्छा बन रहा है ना, ग्रेट। सो सब कुछ स्लैंग से ही बनता है, ये मुझे आपको प्रूफ करना था। अब होगा क्या, हम बनाना सीखेंगे। क्या बनाना सीखेंगे? हम बनाना सीखेंगे आज M, हम बनाना सीखेंगे आज N, हम बनाना सीखेंगे आज U, हम बनाना सीखेंगे आज W, हम बनाना सीखेंगे आज V, हम बनाना सीखेंगे आज इतने पे खत्म करते हैं आज का दिन। अब M कैसे बनाना है, इसमें थोड़ा रूल टूटेगा। क्या रूल टूटेगा? अभी तक देखिए नीचे से ऊपर जाते थे ना, इस बार ऊपर से नीचे आएंगे। देखिए ऊपर से नीचे आए, बट हमने स्लैंट यही पकड़ा ना, ऊपर से नीचे आए फिर नीचे से ऊपर गए, ये ये देखिएगा, फिर यही स्लैंट है मेरा, ऊपर से नीचे आए फिर नीचे से ऊपर गए, ये एंड ये। अब देखिए ये स्लैंट सब पैरेलल है कि नहीं है? है ना पैरेलल? फिर देखिए जेल पेन है ना आपके पास, कहीं आप ऐसा तो नहीं कि पेंसिल से लिखो, आप डॉट पेन से लिख रहे हैं, नहीं लिखेगा, जेल पेन होना चाहिए। देखिए ये तो हमने डिसाइड कर रखा है कि मेरा स्लैंट ऐसा है 75 डिग्री पे, तो हम ये ऊपर से नीचे बनाएंगे, ये लाएंगे एंड इसको ऐसे टर्न करेंगे, ठीक है? ये टर्न जो हम करेंगे ये भी इसी के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है? देखिए ठीक है, हो रहा है, करें। क्या कमी हम नहीं करेंगे, हम ऐसे ला करके ऐसे नहीं करेंगे। अब बोलोगे सर मैंने सब कुछ किया, ये कोना कहां से आ गया भाई, ये कॉर्नर कहां से आ गया, ये तो कॉर्नर कहीं था ही नहीं रूल में। और कभी कभी लोग ऐसे करेंगे, अब बोलेंगे सब कुछ तो सही है, बोला सब कुछ ठीक है भाई, ये कोना कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, ये नहीं आना है। फिर लोग सब कुछ सही करेंगे, क्या करेंगे, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और फिर ये कर देंगे भाई, ये कॉर्नर कहां से आ गया, कहां से आया कॉर्नर, बताया था किसी ने? क्या नहीं बताया था, तो कहां से आया? हमको ऐसे बनाना है। देखिए हो गया, अब सारे स्लैंड मिला लीजिए, सब बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं एक दूसरे के। सो वी हैव टू बिलीव कि भाई हमको ये बना लेना है, इसी के साथ पैरेलल चलना है, करेक्ट? और सिंपल एन भी ऐसे ही बनेगा, कैसे? ऐसे ऐसे और ऐसे। अब एम और एन को ज्वाइंट करना, अब मैं क्या बनाऊंगा, देखिए जो आपको प्रैक्टिस, अभी तक तो मैंने आपसे बोला नहीं ना कुछ लिखने के लिए, अब लिखना क्या ये समझे, मैंने पहले आपको बना के दिखाया, लिखना क्या है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। पहले आपको क्या लिखना है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, ऐसे बनाना है आपको, ये एक सेट है, इसको बनाने में लगेगा आपको 30 सेकेंड। कितना? 30 सेकेंड। हमेशा हम आपको टेक्निक बताते हैं, अभी देखिए गलती नहीं करनी है आपको, आप ये लाएंगे और इसको पूरा ऊपर ले जाके टर्न करेंगे ऐसे। देखिए ना हमारे दो, हमने ऐसे आपको M बना के दिखाया था ना, कैसे ऐसे बना के दिखाया था ना, हमने ऐसे थोड़ा ना बना के दिखाया था आपको, ऐसे नहीं बना के दिखाया ना। लोग क्या करेंगे, पहले से ही मोड़ना शुरू कर देंगे, फिर पहले से ही मोड़ना शुरू कर देंगे, बोलेंगे है तो M, ऐसे लेंगे फिर वो ऐसे मोड़ेंगे फिर वो ऐसे मोड़ेंगे, कहेंगे हो तो गया, अरे भाई हो गया ठीक है, तो वो हमारी स्ट्रेट लाइन कहां गई, बीच वाली स्लैंट कहां गया, हमको कैसे बनाना है। देखिए
बिल्कुल ऊपर तक जाके टर्न करना है, फिर ऊपर तक जाके टर्न करना है, फिर ऐसे पहले नीचे लाना है, फिर ऊपर तक लाके इसको टर्न करना है, फिर ऊपर तक लाके इसको टर्न करना है, फिर ऐसे, ताकि जब हम इसको मिलाएंगे तो ये सारे पैरेलल निकलेंगे हमारे, ठीक है। सो इसको हमको 39 बनाना है। क्या 39 बनाना है? देखिए ये 1 2 3 1 2 3 1 2, दूसरा सेम इतनी दूरी से, कैसे ऊपर से लाएंगे 1 2 3 1 2 3 1 2। अब ये ध्यान रखिए, ये 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 I'm so sorry, पेन चल गया मेरा, ये सब पैरेलल है, सब वही स्लैंट है, जो स्लैंट यही पूरा गेम है। ये आपने बना लिया, 90% हैंडराइटिंग इज परफेक्ट। और ये बनाने है, ये पहचानना भी शुरू कर दिया आपने कि भाई ये मेरा मिल रहा है, ये मेरा मिल रहा है। ये प्रैक्टिस की थी ना आपने, की थी कि नहीं की थी? नहीं की थी तो गड़बड़ किया था आपने, नहीं की थी तो गड़बड़ किया था आपने। इसको 30 बार बनाइए और मिनिमम 1 30 सेकेंड, वीडियो पॉज करिए उसके बाद आइए। यस, आई होप आपने इसको बना लिया होगा। अब हम क्या बनाते हैं, देखिए हम लोग ये बनाना शुरू करते हैं। क्या हुआ, एम देखिए, स्लैंट 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 एंड स्लैंट, देखिए सब पैरेलल में मिल रही है, टोटल मिल रही है। यहां पर कोई कॉर्नर नहीं, हमने ऐसे नहीं मिलाया, देखिएगा ऐसे नहीं मिलाया हमने इसको, ऐसे नहीं मिलाया है नीचे, ये कॉर्नर कहीं नहीं है, या फिर हमने ऐसे नहीं किया है इसको, ऐसे नहीं किया है हमने इसको, हमने हर बार टर्न करके एक स्ट्रेट लाइन ही, ओ सॉरी स्लैंटिंग लाइन ही नीचे लेकर के आए, देख रहे हैं आप, फिर हमने इसको टर्न करके और फिर एक स्लैंटिंग लाइन ही लेकर के आए और फिर इसको छोड़ दिया कि आगे कुछ और मुझे बनाना होगा तो हम बना लेंगे। इसके आगे मान लीजिए मुझे एल बनाना है तो हम ये लेके और ये ले आए, है बन गया ना मेरा एल इसी के आगे, तो मैंने किस लिए छोड़ा था, जैसे मैंने ये बना करके ये छोड़ दिया, तो इस छोड़ने से मैं क्या बना सकता हूं, इसको मैंने किया और ये मैंने बना लिया, है ना। अब अगर मैंने M बनाया था ऐसा और मैं इसको ऐसे छोड़ देता तो अब देखो E कहां जाएगा मेरा, ये देखो मैंने क्या बनाया, गड़बड़ हुआ नहीं हुआ, हुआ ना गड़बड़। अब देखिए यहां पर देखिए सारे स्लैंट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, यहां पर देखिए यही देखिए नहीं मिल रहा है, नहीं मिला ना, ये भी नहीं मिल रहा है, करेक्ट। सो हमको ऊपर से नीचे स्लैंट, पहले तो स्लैंट बना लेंगे, फिर ऊपर से लेके आएंगे, फिर ऊपर से लेकर के आएंगे और फिर ऐसे, ऊपर से नीचे स्लैंट, पहले तो स्लैंट बना लेंगे, फिर ऊपर से लेके आएंगे, फिर ऊपर से लेकर के आएंगे और फिर ऐसे,
ऊपर से लेके आएंगे, फिर ऊपर से लेकर के आएंगे और फिर ऐसे आएंगे, फिर ऊपर से लेकर के आएंगे और फिर ऐसे छोड़ देंगे। फिर अगर मुझे एन ले जाना है तो मैं यहीं से इसको फिर आगे छोड़ देंगे। इसकी प्रैक्टिस करिए कम से कम 100 टाइम्स। एंड दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ डे 4। इसको 100 टाइम्स बना लीजिए, देन ओनली सी द सेकेंड पार्ट ऑफ डे 4, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। करेक्ट। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस दैट आपकी हैंडराइटिंग होने वाली है अनबिलीवेबल विद इन नेक्स्ट 7 डेज। ऑल द बेस्ट, लेट्स कम फास्ट इन second video of day 4. Thank you.